हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी ग्रेट एंड ग्रैंड कब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। बातें हमारी चल रही हैं अमीन चैप्टर के ऊपर। पिछले दो क्लासेज में हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली हैं। ये अमीन चैप्टर का अंतिम क्लास, इसमें हम लोग एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर बातें करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली पीछे जो बातें की हैं एलिफैटिक अमीन्स वाली बातें, उतनी बातें तुम्हें पता होंगी। और उसके ऊपर, उसके आगे हम लोग बातें करेंगे, जो बातें वहाँ कर चुके हैं उन बातों को यहाँ रिपीट नहीं करेंगे हम। सो एरोमेटिक अमीन्स बनाने के मेथड्स, तो जिन मेथड्स से एलिफैटिक अमीन्स को बनाया जा सकता है, अगर वो काम करे तो उनसे यहाँ पर एरोमेटिक अमीन्स को भी बनाया जा सकता है। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हम लोग कर सकें तो इसका रिडक्शन करके हम लोग NO2 का रिडक्शन करके NH2 बना लेंगे। रिडक्शन करोगे तो करोगे क्या, इसमें सफिशियंट हाइड्रोजन लाओ, 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन N को दे देना तो NH2 हो जाएगा। बचे हुए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को मिला करके 2H2O लिख करके रिएक्शन बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने से क्या होता है कि कम से कम तुम उसको ध्यान से थोड़ा सोचते हो, और जब ध्यान से थोड़ा सोचते हो तो आसानी से याद हो जाता है। फिर ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, इट इज़ कमिंग फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट में टिन और HCl के साथ बॉयल कर दो, टिन और HCl का मिक्सचर अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। आयरन HCl के साथ बॉयल कर दो, ये भी अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ हीट कर दो तो भी हो जाएगा। तो तीनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। LiAlH4 इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर ये एल्किल ग्रुप के साथ NO2 होता तो LiAlH4 काम करता है, लेकिन एरिल ग्रुप के साथ जब NO2 होता है तो LiAlH4 काम नहीं करता है, तो LiAlH4 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो टिन के साथ HCl, आयरन के साथ HCl बॉयल करो, या फिर पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ हीट करो, तो आसानी से इस नाइट्रो ग्रुप को NH2 में बदल सकते हो। और दूसरा, अगर कहीं पर पहले से क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट करके, जैसे NaNH2 से रिएक्शन करा दो तो Na+, NH2-, NH2- बहुत ही स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही स्ट्रांग बेस है। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हैलोरिन्स के ऊपर डिस्कस करते समय। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शंस अराउंड एरोमेटिक न्यूक्लियस, तो वहाँ पर हमने एरिल हैलाइड्स के ऊपर जरूर बातें की होंगी, बातें की ही की है। तो वहाँ पर दो मैकेनिज्म्स तुम्हारे साथ डिस्कस किया था, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म एंड एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के जरिए इस क्लोरीन को डिस्प्लेस करते हुए यहाँ पर NH2 लगा सकते हैं। हम सीधे सीधे इसका रिएक्शन अमोनिया से भी करा सकते थे, ठीक, अमोनिया से भी करा सकते थे। अमोनिया से कराएंगे तो हमें कुछ कैटलिस्ट चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए। यहाँ पर भी ये रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन के बदले में तुम देखोगे क्लोरीन के बदले में NH2 प्लस बैलेंस करने के लिए HCl टाइप का लिख करके बैलेंस कर सकते हो। तो क्लोरीन को इस मेथड से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, इस मेथड से भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। इस मेथड में क्या है, हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, और इस मेथड में हाई टेम्परेचर प्रेशर नहीं चाहिए। ये बेस इतना स्ट्रांग है, ये न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग है कि लो टेम्परेचर पर ही काम कर जाता है। तो NH2- इज अ वेरी 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 स्ट्रांग बेस एंड वेरी 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 स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। जबकि अमोनिया ठीक है, ये भी बेस है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उतना स्ट्रांग बेस और उतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल तो नहीं हो सकता ना जितना कि NH2-। तो यहाँ पर रिएक्शन आराम से लो टेम्परेचर पर हो जाता है, स्पेशली लिक्विड अमोनिया। मतलब तुम्हें -33 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ेगा, तो -33 डिग्री सेल्सियस पर आराम से रिएक्शन हो जा रहा है, जबकि इसके लिए करीब करीब 250-300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होगा ना। और यही दो मेथड्स हैं जिनसे हम लोग एरोमेटिक अमीन्स को मोस्टली बनाते हैं। एक तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करा लिया तो अमीन बन गया, दूसरा कोई हैलोजन है इसको डिस्प्लेस करके उसके बदले NH2 लगा दिया तो अमीन बन गया। रिएक्शंस की बात करें तो जो NH2 ग्रुप या अमीन ग्रुप है उसके रिएक्शंस नियरली वैसे ही होंगे जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में एलिफैटिक अमीन्स में देखा था, कि एलिफैटिक अमीन्स में NH2 ग्रुप कैसे कैसे बिहेव करता है या अमीन कैसे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक वैसा ही बिहेवियर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो रिएक्शंस में कुछ अलग से बहुत कहने को हमारे पास नहीं है। रिएक्शंस ऑफ NH2 ग्रुप सेम एज इन एलिफैटिक अमीन्स। तो NH2 ग्रुप के रिएक्शन एरोमेटिक अमीन्स में वैसे ही होंगे जैसे कि एलिफैटिक अमीन्स में होते हैं, लेकिन ध्यान देना कि NH2 ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है,
NH2 ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन रिंग के भी कुछ रिएक्शंस तुमको देखने को मिलेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, तो एरोमेटिक अमीन्स में अमीन ग्रुप का रिएक्शन तो अब हमें अलग से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एलिफैटिक अमीन्स पढ़ते समय जो रिएक्शंस देखे थे वही रिएक्शंस अपने मन में एक बार दोहरा लेना कि वही वही रिएक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं। ये जरूरत पड़ने पर बेस की तरह से बिहेव कर सकता है, जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर सकता है। कार्बिल अमीन टेस्ट पढ़ते समय हम लोगों ने देखा ही था कि ये एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों तरह के अमीन्स के साथ काम करता है। डायजोनियम वाला रिएक्शन करते समय देखा ही था कि एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों तरह के अमीन्स के साथ काम करता है। तो अमीन ग्रुप का रिएक्शन वही है जो पिछले क्लास में पढ़ा था। हाँ, बेंजीन रिंग के कुछ रिएक्शंस होंगे और NH2 ग्रुप उन रिएक्शंस के ऊपर अपना असर जरूर डालेगा। जब ये है तो बेंजीन रिंग के ऊपर इसका असर जरूर होगा, तो वो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग, ठीक, ऑफ एरिल अमीन्स, एरिल अमीन्स में जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, उसको हमें थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। तो ब्रोमिनेशन हम लोग समझते हैं, बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराते हो तो ब्रोमीन और Fe(Br3) लेते हो, रिएक्शन होता है। और यहां पर जानते हो ना, सभी जगहों पर एक एक हाइड्रोजन है, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन हटाओ, और कोई भी एक हाइड्रोजन हटाओगे और हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले ब्रोमीन लगा दो, तो ये H6 से क्या हो जाएगा, C6H5Br, एक हाइड्रोजन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया। तो जब एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराने की बारी आएगी तो तुम देखोगे कि ब्रोमीन है और Fe(Br3) नहीं चाहिए, पानी मिला देने से ही थोड़ा सा काम हो जाता है। एनिलीन में नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, बेंजीन रिंग रिएक्शन आसानी से करेगा। तो ये NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग को इतना एक्टिवेट कर देता है कि ब्रोमीन के साथ हमें कोई Fe(Br3) वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पानी मिला दो तब भी सफिशियंट है। और ये ब्रोमीन जो है फटाफट बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करता है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर होता है या फिर इस वाले ऑर्थो पोजीशन पर होता है और पैरा पोजीशन पर होता है। और तुम देखोगे कि ये रिंग इतना रिएक्टिव हो चुका है इस NH2 की वजह से कि ब्रोमीन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों जगह रिएक्शन फटाफट कर लेगा और 2,4,6-ट्राइब्रोमोएनिलीन बनाएगा, जिसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। और बहुत बार इसका इस्तेमाल जो है एनिलीन को पहचानने के लिए या फिर एरोमेटिक अमीन्स को पहचानने के लिए भी किया जाता है कि एनिलीन है क्या, अगर एनिलीन है तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओ, 2,4,6-ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। यहां पर एक प्रश्न तुम्हारे लिए कि अपने को NH2 से पैराब्रोमो मतलब एनिलीन से पैराब्रोमो एनिलीन तक पहुंचना है, हम चाहते हैं कि एक बार ब्रोमिनेशन कराएं, और ये कैसे होगा। ध्यान देना, ब्रोमीन से अभी ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन कराया था और रिएक्शन करा के देखा कि रिएक्शन कंट्रोल में नहीं रहता, ये ग्रुप इस रिंग को इतना एक्टिवेट कर देता है कि ये बहुत खुशी के मारे एक बार दो बार तीन बार, ठीक, अगर खुशी ना होती तो चलो एक बार रिएक्शन किसी तरह से मुश्किल से करता, लेकिन अब वो इतना खुश हो गया, इतना झूमते नाचते गाते रिएक्शन कर रहा है कि वो एक बार की जगह तीन बार रिएक्शन कर डालेगा। तो एक बार रिएक्शन यहाँ हुआ, एक बार रिएक्शन यहाँ हुआ, एक बार रिएक्शन यहाँ हुआ, और तीन तीन बार रिएक्शन खुशी के मारे कर डाला। इसकी खुशी को थोड़ा कंट्रोल करना है कि भाई तुम थोड़ा कम खुश हो। तो कैसे हम ये कंट्रोल करें कि रिएक्शन एक ही बार हो जाए, तो हम करेंगे क्या, हम इस एनिलीन का रिएक्शन कह दो एसिल क्लोराइड से, किसी एसिल क्लोराइड जैसे एसिटिल क्लोराइड से करा दिया, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेकर के जाएगा, कार्बन पर रिएक्शन करेगा, ठीक, नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर लेकर गया, कार्बन पर रिएक्शन किया, क्लोरीन यहां से निकल गया और तुम यहां पर पहुंच जाओगे। इसमें से एक एच भी बाद में तुम्हें हटाना पड़ेगा, तो ये NHCOCH3। और अब क्या होगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर बेंजीन रिंग के साथ और इधर CO के साथ, दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा। C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और अब लोन पेयर बेंजीन रिंग में उतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। तुम कह सकते हो कि 80% लोन पेयर इस C डबल बॉन्ड O ने खींच रखा है, 20% लोन पेयर इस बेंजीन रिंग को मिल पा रहा होगा। तो इस बेंजीन रिंग को लोन पेयर कम मिलेगा, कम मिलेगा, तो अब रिंग उतना एक्टिव नहीं है। यहां पर लोन पेयर 100% रिंग को मिल रहा था, यहां पर लोन पेयर 20% रिंग को मिल रहा था, यहां रिंग बहुत ज्यादा खुश था, एकदम नाचते गाते रिएक्शन करता था, यहां पर रिंग उतना खुश नहीं है, उतना आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। और जब इसका ब्रोमिनेशन कराओगे, ब्रोमीन और ACOH, ACOH मतलब एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसी को तुम लिखते हो ACOH, ये CH3CO को लिखते हो एसिटिल AC और फिर OH आ गया, वही वाला OH, एसिटिक एसिड को ऐसे लिख देते हैं। तो ब्रोमीन को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लो, उसका रिएक्शन
इसके साथ कराओ, इसको एसिटेनालाइड कहते हैं, ध्यान देना, ये एनिलीन है। और इधर क्या था, अगर सपोज हम ये वाला पार्ट हटा दे और इसके बदले में एक हाइड्रोजन लगा दे, तो ये एसिटामाइड हो जाएगा, CH3CONH2 एसिटामाइड हो जाएगा। तो एसिटामाइड में से एक हाइड्रोजन को हटा करके बेंजीन रिंग लगाया है, तो एसिटामाइड का एसिट और एनिलीन का एनी और अमाइड का आइड सब मिला करके एसिटेनलाइड, इसको एसिटेनिलाइड कॉमन नेम है, डेफिनेटली आईपीएससी नेम नहीं है। कभी कभी एग्जाम में तुम्हारे प्रश्न आ जाता है कि एसिटेनलाइड के साथ ये रिएक्शन करके दिखाओ, तो जब तुम एसिटेनलाइड को रिएक्शन को जानते ही नहीं हो, उसका नाम ही नाम देख करके स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो रिएक्शन कैसे करोगे? तो एसिटेनलाइड याद रखना। कैसे कैसे याद रखोगे? एसिटामाइड को पहले याद कर लो, CONH2, ये एसिटामाइड हो गया। फिर इस एच को हटा करके यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जोड़ दो, तो कहोगे ये वाला पार्ट एनिलीन है और ये एसिटामाइड है, और दोनों को मिला करके एसिटेनिलाइड, एसिटामाइड का एसिड, एनिलीन का एनी, एनिल कह दो और अमाइड का आइड, तो एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड में ये जो नाइट्रोजन है लोन पर बेंजीन को डोनेट करेगा, लेकिन उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ रिंग बेहद खुश है, यहाँ कम खुश है, ये 3 बार रिएक्शन करता है, ये एक ही बार रिएक्शन करेगा, और एक बार रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमिनेशन इसके मेनली पैरा पोजीशन पर, ध्यान देना, ये बड़ा सा ग्रुप लगा है तो ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस तुम्हें देखने को मिलेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो है ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक। ये पैरा पोजीशन पर मेनली रिएक्शन करेगा, और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा तो ये BR रहेगा, BR2 नहीं होगा। तो कुछ ये प्रोडक्ट तुम्हें मिला, फिर से इसको हाइड्रोलाइज कर देना। वापस हाइड्रोलाइज करोगे तो पानी के साथ तुम रिएक्शन कराओ, इसको ब्रेक करो, एच को जोड़ दो इसमें और एच को जोड़ दो इसमें, और तुम्हें अमीन वापस फ्री मिल जाएगा। तो इस तरह से पैरा ब्रोमो एनिलीन बन गया, ठीक। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, टारगेट क्या था, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन, और टारगेट हमने पूरा कैसे किया कि एनिलीन को पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया, और यहां पर आने से क्या होगा कि नाइट्रोजन अब बेंजीन को लोन पर उतना आसानी से डोनेट नहीं करेगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई तो ब्रोमीन से एक ही बार रिएक्शन होगा, और एक बार रिएक्शन होगा तो पैरा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हुआ, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करके हम लोगों ने अमीन ग्रुप वापस रीजनरेट कर लिया। नाइट्रेशन, अगर हम लोग एनिलीन या फिर एरिल अमीन के नाइट्रेशन की बात करें, तो जैसे बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहता है, तो नाइट्रेशन तुम कराते हो तो ऑर्थो पर होता है, पैरा पर होता है, राइट। बेंजीन का नाइट्रेशन अगर तुम कराते हो तो HNO3 और H2SO4 की जरूरत होती है, और नाइट्रेशन एक बार कहीं पर भी करा लो। फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हो तो फिनॉल क्या है, वो काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेट करके एक्टिवेट कर देता है, तो डाइल्यूट HNO3 से ही नाइट्रेशन हो जा रहा है। बेंजीन में कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए होता है, जबकि फिनॉल में क्या है, डायल्यूट HNO3, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करके रिंग को एक्टिवेट कर दे रहा है, तो डायल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रेशन हो जाएगा। नाइट्रेशन ऑर्थो पर होगा या पैरा पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से नाइट्रेशन ऑर्थो और पैरा पर होता है। तो इन चीजों को अगर माइंड में रखते हुए, ठीक, इन चीजों को इतना हमें याद है, इतना हमें पता है, अब एनिलीन के बारे में सोचें कि एनिलीन का नाइट्रेशन कराए तो जैसे फिनॉल में क्या है, डायल्यूट HNO3 लगा था, वैसे एनिलीन में भी डायल्यूट HNO3 ही लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि फिनॉल में OH का ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो यहाँ पर एनिलीन में NH2 का जो नाइट्रोजन है वो तो और आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा, रिंग को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ पर भी डायल्यूट HNO3 होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, फिनॉल में क्या था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन हुआ था, एनिलीन में रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर होगा, पैरा पर होगा, और मेटा पर भी हो रहा है, ऑर्थो पर 2%, पैरा पर 51%, मेटा पर 47%, अच्छा खासा मेटा प्रोडक्ट बना है, ध्यान देना, मेटा वाला बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पर होना चाहिए था, तो ऑर्थो पर हुआ, पैरा पर हुआ, लेकिन साथ ही साथ मेटा पर भी अच्छे खासे अमाउंट में रिएक्शन हुआ है, नियरली 50% के पास है, आधा प्रोडक्ट जो है वो मेटा वाला ही बना है। ये हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इस चीज को समझाएंगे कि ऑर्थो बना ठीक, पैरा बना ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये मेटा क्यों बन गया होगा? तो देखो, हम जानते हैं कि एनिलीन में जो ये NH2 है वो बेसिक होता है, H+ के साथ मिल जाए तो NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो HNO3 और H2SO4 है तो H+ देंगे ही देंगे, इन्होंने दिया H+, और अमीन क्या करेगा, इस H+ के साथ मिलकर के NH3+ बना लेगा, तो एनिलीन से एनिलीनियम आयन बन जाएगा।
इसके पास लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। बल्कि पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को बड़े जोर से खींचेगा और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। और रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा मतलब रिंग अब रिएक्शन आसानी से नहीं बल्कि मुश्किल से करेगा। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब रिंग जो है रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पर नहीं बल्कि मेटा पर करेगा। तो अगर NH2 की वजह से रिएक्शन होगा ऑर्थो पैरा पर होगा, हम बोलेंगे NH2 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। लेकिन NH3+ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिव है। तो इसकी वजह से रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पर होगा, इसकी वजह से रिएक्शन मेटा पर होगा। और यही वजह है इसमें ऑर्थो और पैरा तो बना ही बना, साथ ही साथ मेटा प्रोडक्ट भी बना। तो मतलब यह है कि एनिलीन एनिलीनियम आयन में बदल जा रहा है और दोनों मिल करके रिएक्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से रिएक्शन ऑर्थो पैरा पर और इसकी वजह से रिएक्शन मेटा पर, और इसकी वजह से रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसीलिए डायल्यूट HNO3 की जगह कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर चाहिए। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में H2SO4 का इस्तेमाल करते हो। फिर से ये एसिड, ये बेस और ये एसिड, इसने अपना H+ दे दिया इसको। जब इसने अपना H+ इसको दे दिया तो होगा क्या, ये NH3+ ये HSO4- एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हो। तो एसिड और बेस दोनों ने मिलकर के सॉल्ट बना लिया। ध्यान देना सल्फोनेशन नहीं हुआ, पहले सॉल्ट बन गया। लेकिन हाँ, जब इस सॉल्ट को तुम 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो किसी तरह से ये सॉल्ट ब्रेक होगा और इसमें से सल्फोनिक एसिड ग्रुप निकल करके यहाँ पर चला आएगा। तो ये एनिलीनियम सल्फेट माइनस H2O भी लिखना पड़ेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये जो सॉल्ट बना अमीन ने, एनिलीन ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया, सॉल्ट को आगे 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हो, तब जा करके पैरा पोजिशन पर सल्फोनेशन हुआ, सल्फानिलिक एसिड कहते हैं। और ये H+ दे सकता है, ये H+ ले सकता है, तो इसने अपना H+ उसको दे दिया और ये हो गया NH3+ और हो गया SO3-। ज्यूटर आयन फॉर्म, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, याद करो अमीनो एसिड्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने तुम्हें समझाया था कि जब एक ही मॉलिक्यूल में प्लस भी हो माइनस भी हो और वो न्यूट्रल भी हो उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। तो इसमें एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस और ये टोटली न्यूट्रल है, इसीलिए ज्यूटर आयन फॉर्म बोलेंगे। तो सल्फानिलिक एसिड बना और सल्फानिलिक एसिड जो है वो ज्यूटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। ओके, तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड डिसाइलेशन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करी जाए तो जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन का रिएक्शन CH3ClAlCl3 से कराते हो, तो बेंजीन रिंग क्या करता है, इस पर रिएक्शन करता है, क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है किसी तरह से मैकेनिज्म। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में खूब अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तुम्हें तो पता होना चाहिए तभी यहाँ पर तुम समझ पाओगे। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया, मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन बन गया। इसी तरह से एसिल क्लोराइड के साथ एसाइलेशन हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा और बेंजीन आकर के इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। रिएक्शन में AlCl3 की मदद लेनी पड़ती है, बिना AlCl3 के कोई रिएक्शन नहीं होगा। एनिलीन के साथ वही रिएक्शन ट्राई करो, CH3Cl ले लिया, जैसे यहां पर CH3Cl और AlCl3 ले लिया था, यहां पर भी CH3Cl और AlCl3 ले लिया, लेकिन हम देख रहे हैं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। एनिलीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, रीजन है। रीजन क्या है, एनिलीन में नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है और एल्यूमिनियम के अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये लेविस एसिड ये लेविस बेस और दोनों ने मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये लोन पर डोनेट करेगा इस पर प्लस आ जाएगा, ये लोन पर एक्सेप्ट करेगा इस पर माइनस आ जाएगा। और नाइट्रोजन पर प्लस आया मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया और रिंग अब रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब भी कोई मेटा डायरेक्टिव ग्रुप लगा रहता है, ध्यान देना एक बार फिर से बोल रहे हैं, जब भी कोई मेटा डायरेक्टिव ग्रुप रिंग के साथ लगा रहेगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, रिंग के साथ लगा हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो बेंजीन, बेंजीन आसानी से रिएक्शन कर रहा है, एल्काइलेशन कर रहा है, एसाइलेशन कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो रिएक्शन आसानी से होना चाहिए था। लेकिन ये जो तुम्हारा एनिलीन है वो AlCl3 के साथ मिलकर के ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सो तीन चार रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए, ब्रोमिनेशन पर बात की, नाइट्रेशन पर बात की, सल्फोनेशन पर बात की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन पर बात की। स्पेशल रिएक्शन डायज़ो कपलिंग, ये स्पेशल है, ये सभी नहीं करते हैं। डायज़ो कपलिंग हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये पहली बार तुम नहीं पढ़ रहे हो।
फिनॉल के बारे में जब पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने वहां पर डायज़ो कपलिंग पढ़ा था। तो एनिलीन ने बेंजीन रिंग को खूब एक्टिवेट कर दिया, और इतना एक्टिवेट कर दिया है कि ये आसानी से डायजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो नाइट्रोजन को ला करके यहाँ जोड़ दो, तो दो नाइट्रोजन है एंड डबल बॉन्ड एन, उसके पीछे एरिल ग्रुप है वो भी ला करके जोड़ दिया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो इसी को बोलते हैं कि डायज़ो कपलिंग हुआ, कि इसके और इसके बीच में दोनों दोनों को जोड़ दिया ना, कपलिंग मतलब जोड़ देना, तुमने इन दोनों को इसको ले जाकर इसके साथ जोड़ दिया, तो डायज़ो कपलिंग। और ये जो प्रोडक्ट बनता है काफ़ी अच्छा सा ऑरेंज या रेड या कुछ उसी से मिलता जुलता कलर तुमको दिखाई पड़ेगा, तो ऑरेंज रेड डाई बनता है। ठीक, इवन सपोज ये एच नर है, एच को हटाकर एल्किल भी तुम लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये रिंग को इतना अच्छे से एक्टिवेट कर रहा है कि फिर से अगर कोई एरिल डायजोनियम सॉल्ट है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, और डोनेट करके नाइट्रोजन यहीं पर ला करके जोड़ देना, तो दो नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के पीछे एरिल ग्रुप है, एरिल भी ला करके जोड़ देना, तो फिर से डायजो कपलिंग होगा। ओके, और कुछ इसमें कहना चाहिए हमें? जरूरत तो नहीं लग रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ एच एन ओ टू, इस बार थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हम लोग ना, काफ़ी सारी नई नई बातें होने वाली है यहाँ पर। एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन कराओगे, एच एन ओ टू बनता कैसे है? तो एन एन ओ टू और एच सी एल मिला करके एच एन ओ टू बनाते हैं, फिर ये एच एन ओ टू टूटेगा तो क्या देगा? यहीं से बॉन्ड टूटेगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, और एसिडिक मीडियम में बॉन्ड टूटेगा तो एच माइनस और एच प्लस मिलाकर एच टू ओ बना लेंगे, एन ओ प्लस बाहर निकला। इसमें नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो होता क्या है कि अगर एलिफैटिक अमीन है, प्राइमरी अमीन है, ठीक है, एलिफैटिक एरोमेटिक छोड़ो, प्राइमरी अमीन पर फोकस करो, प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन में क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो डायजोनियम बना लेता है। ठीक, पिछले क्लास में इसका मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एनओ प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, इसने लोन पेयर दिया तो इस पर प्लस चार्ज आया, इसने लोन पेयर लिया तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, फिर इसमें से ये एच और ये ओ निकाल दोगे, पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे, पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे तो बचेगा क्या? बस दो नाइट्रोजन बचेंगे जिनको आपस में तुम ऐसे जोड़ सकते हो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस पर प्लस, डायजोनियम बनेगा। और अब ये डायजोनियम अगर किसी एल्किल ग्रुप के साथ है, कह दो कि ये कार्बन चेन है, तो यहाँ बना रखा है हमने पहले से, अच्छा नहीं बना रखा है, फिर से बना लेते हैं, कह दो कोई कार्बन चेन है और उसके साथ डायजोनियम ग्रुप लगा हुआ है, और एरिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग या कोई दूसरा एरोमेटिक रिंग है जिसके साथ तुमने डायजोनियम जोड़ रखा है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, और ये थोड़ा स्टेबल होता है ना, स्पेशली लो टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये काफ़ी स्टेबल होता है, और ये उस पर भी स्टेबल नहीं होता है। तो एल्किल ग्रुप है, NH2 है, NO प्लस के साथ रिएक्शन कराया, डायजोनियम बना, डायजोनियम अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या होगा, जैसे सपोज ये वाला एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के साथ डायजोनियम जोड़ दिया, ये यहाँ से निकला, निकलेगा तो N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जानते हो ना, बहुत बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बड़ी हाई रहती है, तो बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, आसानी से निकलेगा, निकल करके गया, तो ये निकल करके गया, कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन बेहद रिएक्टिव होता है, पानी का मॉलिक्यूल है, लोन पर डोनेट करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ दिया, और ऑक्सीजन को जब कार्बन के साथ जोड़ोगे, ऑक्सीजन ने लोन पर दिया तो ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आएगा, दो हाइड्रोजन थे वो दोनों हमने ओपन करके लिख दिए हैं, फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो, तो बचेगा ओ एच, तो लास्ट में अल्कोहल बन जाएगा। तो हुआ क्या, जैसे अगर हम यहाँ से देखें थोड़ा सा, और इसको हम पीछे लेकर के चले, यहाँ लिख देते हैं ना, CH3 CH2 CH2 NH2, इसका रिएक्शन कराया NO प्लस के साथ, NO प्लस के साथ रिएक्शन कराया तो डायजोनियम में, NH2 से क्या बन गया, डायजोनियम बन गया, फिर डायजोनियम अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पानी से रिएक्शन कराया तो अल्कोहल ग्रुप बन गया। और ये सब हो कहाँ से, हो कैसे रहा है, हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ, HNO2 कहाँ से आया, NaNO2 और HCl के साथ, और ये सब एक्वा सोल्यूशन है तो पानी इसमें खूब सारा मिला रहेगा, तो पानी हमको अलग से कुछ मिलाने की बाद में जरूरत नहीं है, जब जब पानी चाहिए तो सोल्यूशन में पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो आएगा आकर के बार बार रिएक्शन कर डालेगा। तो देखो
SNO2 ने रिएक्शन किया और रिएक्शन करा के जो अमीन था अमीन को डायजोनियम में बदला, फिर डायजोनियम में से N2 निकला, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन पानी के साथ रिएक्शन करता हुआ अल्कोहल बना लिया। तो इसी पूरे रिएक्शन को अगर हम एक साथ मिला के नेट रिजल्ट लिखें तो हम बोलेंगे कि NH2 जो है वो SNO2 से रिएक्शन करता है और अल्कोहल बन जाता है। बना कैसे है तो डेफिनेटली बीच में क्या बना है, बीच में डायजोनियम बना है और फिर इस डायजोनियम से अल्कोहल बना है, लेकिन हम समेट दे एक ही बार में, तो हम कह सकते हैं कि RNH2 प्लस HNO2 मिलकर के अल्कोहल बनाते हैं। रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन मिलकर के N2, दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, और दो और एक तीन हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ दो हाइड्रोजन यहाँ, तो रिएक्शन वेल बैलेंस्ड है। तो प्राइमरी अमीन प्लस HNO2 मिलकर के अल्कोहल बना लेते हैं। तो एक तो पहले इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को तुम करो क्या कि दो बार रफ कॉपी में अपने से लिख करके देख लो ना, बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन है, दो बार तीन बार एक बार में काम बनता है, एक बार ऐसे ही याद हो गया तो ठीक है मत लिखो, लेकिन कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि इस इक्वेशन को याद रखना कि प्राइमरी अमीन विथ HNO2 अल्कोहल बनाता है। फिर उसके बाद जरूरत पड़े तो एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि कैसे कैसे हुआ। तो HNO2 ने दिया NO+, NO+ ने डायजोनियम बनाया, डायजोनियम निकला कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन ने पानी से रिएक्शन किया तो अल्कोहल बन गया। तो हमको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म में भी जाने आना चाहिए और सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर जस्ट बाय बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू लिखना है तो वो भी हमें लिखने आना चाहिए। तो प्राइमरी अमीन, प्राइमरी एल्किल अमीन HNO2 से रिएक्शन करता है, डायजोनियम बनता है। लेकिन अगर ये एरोमेटिक होता तो जैसे बेंजीन रिंग के साथ NH2 है तो तब भी डायजोनियम बनेगा, इसमें डायजोनियम बनने के साथ साथ अल्कोहल बन जाता था, तुम उसको रोक नहीं सकते हो क्योंकि डायजोनियम अनस्टेबल होता है। लेकिन एरोमेटिक रिंग के साथ ये डायजोनियम थोड़ा स्टेबल है, स्पेशली 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टेबल है, तो इसको तुम रोक सकते हो, रोक करके फिर इसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोई सामान तुम लाए, अब पता चला कि जैसे ही तुम पैकेट खोलोगे वो खराब हो जाएगा, उसको ज़्यादा देर तक बचा के रखा नहीं जा सकता, तो तुम क्या करोगे, अगर वो खाने पीने का सामान है तब की बात कर रहे हैं, पैकेट खोलोगे फटाफट खा पी करके ख़त्म करोगे कि रखेंगे तो खराब हो जाएगा। और मान लो सामान ऐसा है कि ठीक है पैकेट खोला फिर भी वो 2-4 दिन आराम से बचा करके रखा जा सकता है, तो हम लोग थोड़ा खाएंगे थोड़ा रख देंगे कि बाद में खाया जाएगा। तो डायजोनियम क्या है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर मतलब फ्रिज में रख दो अच्छे से, तो ये स्टेबल रहेगा और स्टेबल रहेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको जब निकालेंगे तो बेंजीन के इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया तो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जैसे I- लगा दिया, तो आयोडाइड ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। तो एल्किल के साथ ये पॉसिबल नहीं था, एल्किल डायजोनियम के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करी जा सकती क्योंकि एल्किल डायजोनियम अपने आप बनते ही टूटेगा, टूटते ही कार्बोकैटायन बनेगा और वो रिएक्शन मीडियम में पानी पहले से मिला हुआ रहता है, पानी के साथ रिएक्शन करते कराते अल्कोहल में बदल जाएगा। एरिल डायजोनियम को रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है और जब जरूरत पड़े तब रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एरिल अमीन से एरिल डायजोनियम, इसको लो टेम्परेचर पर रखा और मान लो हम चाहते हैं कि इसके बदले आयोडीन लगा देना है, तो हम करेंगे क्या, हम लोग इसके साथ एक्वस KI मिला देंगे और एक्वस KI में I- है, जब ये यहाँ से निकलेगा तो I- आयोडाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह से यहाँ पर जाकर के रिएक्शन करेगा। डायजोनियम के सारे रिएक्शन हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं, तो ये सब ऐसे ही एक्स्ट्रा बकवास हमारी तरफ से चल रही है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या है कि फ्लो में बहुत सारी बातें हम लोग करते चले जाते हैं तो उससे केमिस्ट्री और अच्छी हो जाती है। हम इसको इग्नोर भी कर सकते थे कि हमने डायजोनियम तुम्हें पहले पढ़ा रखा है तो यहाँ पर नहीं कुछ बात करेंगे, लेकिन हमने बातें की सो दैट तुम थोड़ा कंपैरिजन करना भी सीखो। तो एल्किल अमीन के साथ डायजोनियम का कोई हम स्पेशल रिएक्शन नहीं सोच सकते हैं, ठीक, एल्किल अमीन डायजोनियम में बदलेगा, डायजोनियम तुरंत अपने आप अल्कोहल में बदल जाएगा, लेकिन एरिल अमीन के साथ जब डायजोनियम बनेगा तो उस डायजोनियम को बचा करके रख सकते हैं और उसके साथ दूसरे न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करके कभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर N2 के बदले हमने क्या किया है, आयोडाइड लगा दिया है, तो हम आयोडाइड के बदले क्लोराइड या ब्रोमाइड या फ्लोराइड या फिर दूसरे ग्रुप्स को लगाने के बारे में भी सोच सकते हैं। और अब इस पर और डिटेल चाहिए तो तुम्हें डायजोनियम वाला लेक्चर खोज करके पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी अमीन रिएक्ट्स विथ HNO2, सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन HNO2 से कराओगे तो N नाइट्रोसो अमीन बन जाएगा। एन नाइट्रोसोमीन कैसे बन जाएगा, लेट अस सी। तो HNO2 टूटेगा, NO+ देगा और ये NO+ आ करके इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर रिएक्शन करेगा, एच निकाल देना, तो NO को लाके नाइट्रोजन में जोड़ देना, यही प्रोडक्ट बनेगा जिसको तुम कहते हो
एन नाइट्रोसो अमीन। सेम वे अगर एरोमेटिक रिंग के साथ भी नाइट्रोजन है और कुछ एल्किल वगैरह लगा दिया तो ये सेकेंडरी अमीन हो जाएगा ना, सेकेंडरी अमीन में इस हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट एनओ से हो जाएगा। तो सेकेंडरी अमीन एरोमेटिक है तब भी वहीं पर रिएक्शन होगा, फिर से नाइट्रोसो अमीन बन जाएगा। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक टर्शियरी अमीन बिहेव इन डिफरेंट वे विथ एच एन ओ टू। अगर एलिफैटिक टर्शियरी अमीन है तो नाइट्रोजन के पास कोई डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, नो रिएक्शन। लेकिन अगर यही एरोमेटिक रहता तो बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन, दो एक्स्ट्रा एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन बेंजीन रिंग तो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है ना। तो इसने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट किया और बेंजीन रिंग अपने पैरा पोजीशन की मदद से आसानी से जाकर के इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन जो इसको हटा करके इसको लगा देना। तो टर्शरी अमीन अगर हमारा एलिफैटिक है तब तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है एच एन ओ टू के साथ, एच एन ओ टू ने दिया एनओ प्लस और एनओ प्लस इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाया। लेकिन अगर एरोमेटिक टर्शरी अमीन है तो एनओ प्लस इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पर एच नहीं है, लेकिन यहां पर तो एच है ना, ठीक है, यहां पर तो एच है ना, तो इस एच को डिस्प्लेस करके यहां पर एनओ लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एच एन ओ टू जो है एलिफैटिक टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता लेकिन एरोमेटिक टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्शन करके इस तरह से पैरा नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनाता है। एंड दैट्स ऑल, ठीक, इतनी बातें हमारी तरफ से। तो ये अमीन चैप्टर पूरी तरह से हमने समाप्त किया, ठीक। तीन क्लासेज हमने ली, पहले क्लास में एलिफैटिक अमीन्स या स्पेशली अमीन्स को बनाने के मेथड और उनके बेसिक स्ट्रेंथ पर बातें करी, दूसरे क्लास में एलिफैटिक अमीन्स के रिएक्शंस के ऊपर बातें करी हैं, और तीसरे और लास्ट क्लास में हमने तुम्हें आज एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर डिस्कशन करके दिखाया कि कैसे उनको बना सकते हैं, थोड़ी सी बातें उस पर की, और फिर उनके काफ़ी सारे रिएक्शंस थे। कुछ रिएक्शंस एलिफैटिक अमीन्स के जैसे थे तो वो तो कह दिया कि सीधे सीधे वही वाला रिएक्शन अप्लाई कर लेना, और बेंजीन रिंग की वजह से कुछ स्पेशल रिएक्शंस हुए, और लास्ट में एच एन ओ टू ने काफ़ी शोरगुल मचाया कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो एच एन ओ टू के साथ काफ़ी इधर उधर, कभी प्राइमरी कभी सेकेंडरी कभी टर्शरी, काफ़ी सारी बातें हम करनी पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर अमीन चैप्टर। फिर मिलेंगे हम दूसरे चैप्टर में दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।